वेलकम टू श्री हरि टेलर। आज मैं आपको फरगुल बनाना बताऊंगी। इसके लिए बेस फैब्रिक पाइपिंग के लिए और मेन फैब्रिक लेना है। बेस फैब्रिक को हमें ऐसे फोल्ड करके रखना है, ये जिसकी लंबाई 10 और चौड़ाई भी 10 ली है। इसको डबल फोल्ड करना है जैसे कि मैंने किया है और 5-5 इंच में मार्क कर लेना है। उसको कट कर लेंगे। अभी हमारा जो मिड पॉइंट है इस पर हम मार्क करके नीचे की साइड तक शेप देंगे, फिर इसको भी कट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक है उसको लेना है, जो सीधा साइड है उसका फ्रंट साइड उसकी तरफ ही रखना है हमको। ये हमारा जो बेस फैब्रिक है उसको एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। सामने सामने के ये दो कॉर्नर्स हैं इनको सिल लेना है। ये हमने सिल लिया है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेना है और नॉचेस लगा देने हैं। इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसमें हम कॉटन डालेंगे। कॉटन एकदम पतली लेयर होनी चाहिए कॉटन की, सब जगह हमको एकदम पतली लेयर से इसको फिल करना है। मेरे चैनल पे एक और फरगुल की वीडियो है, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। वो मैंने अलग तरीके से फरगुल बनाना बताया है, उसमें उसको भी आप देख सकते हो। दूसरे साइड से भी हमें इस तरह से कॉटन को फिल करना है। अब हम इसको सिल लेंगे, इससे कि हमारी कॉटन इधर उधर नहीं होगी। ये हमारी जो पट्टियाँ हैं हमने कटिंग करके रखी है, 1-1 इंच की है। हम इसमें पाइपिंग की तरह लगाएंगे इसको। देखिए जैसे मैंने ऐसे पकड़ा है वैसे आपको पकड़ के इस तरह से इसमें स्टिच करना है। इसे पूरे में हम इसको सिल लेंगे। सिलने के बाद इस तरह से दिख रहा है हमारा। अब जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ वैसे ही कपड़े को फोल्ड करके हमें शेप देनी है पाइपिंग की। इसे और भी अच्छा दिखाने के लिए मैंने इसमें गोटा पट्टी लगाई है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। इसे और भी अच्छा दिखाने के लिए मैंने इसमें गोटा पट्टी लगाई है, आप किसी भी तरह की गोटा पट्टी लगा सकते हैं, लेस लगा सकते हैं, मैंने इसमें गोटा पट्टी लगाई है।
फिर इसे पूरे पे हमको गोटा पट्टी लगा लेनी है। इसको कट करके सिलाई कर देना है। हम इधर की दोनों कॉर्नर जो रह गए उन पे भी स्टिच कर लेंगे, जैसे कि सफाई से दिखे हमारा फरगुल। देखिए हमारा फरगुल तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।